खबर पौड़ी से है, जहां कोर्ट द्वार के निजी इंस्टीट्यूट में प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न प्रदेशों से पहुंचे 15 शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान देश भर के कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और फैकल्टी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 महामारी के दौरान उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों की चुनौतियां एवं अवसर विषय पर देश भर से पहुंचे छात्रों शिक्षकों के द्वारा चर्चा की गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 से आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनौती को अवसर में तब्दील करने का हुनर भी देश के लोगों ने सीख लिया है। एजुकेशन, बैंकिंग, उद्योग, खेल, व्यापार, चिकित्सा सहित कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आगे बढ़ने के विकल्प न हो। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से पहुंचे कई शिक्षकों में से 15 शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। वही कार्यक्रम में समाचार संकलन के लिए गए पत्रकारों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर सभी पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और वापस लौट गए। पौड़ी से राजेंद्र खंडपाल की रिपोर्ट। सवाल है, देखिए आपका तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंटरफेस जो है वो ह्यूमंस के साथ रहता है, टूरिस्ट के तौर पर भी, कि जो लोग आपके पास आते हैं और साथ ही साथ आपका वर्क फोर्स भी होता है। एंड इन दिस कंट्री आई थिंक टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री। इस देश में फैक्टर फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री एंड होटल्स, होटल मैनेजमेंट, होटल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंटायर इंडस्ट्री। और बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि मैं जिस विधानसभा से पहले एमएलए थी, मैंने देखा वहां रिजॉर्ट्स बहुत थे।